कन्वेक्शन में भी सर्कमस्टेंस एविडेंस, डेड बॉडी भी नहीं प्राप्त हुई है, और बस सर्कमस्टेंस बताया कि बच्चों ने कहा कि पापा गए थे मच्छी लेने, बस दूसरा सर्कमस्टेंस कि हमने कबूल कर लिया थाने के बाद कि हमने मर्डर किया है, और तीसरा सर्कमस्टेंस है कि हड्डी, एक हड्डी का टुकड़ा पाया हुआ और कुछ कपड़े जब्त हुए, इतने सर्कमस्टेंस में सजा दी गई है, जी मुझे मिलान नहीं हो पाया सर्कमस्टेंस। हम ही अच्छा बंजी मम्मी का भाई, और हम थाने के पास, हमको हमने बोल दिया कि हमने मर्डर किया है, उनके वजह से P3 FIR है उनके, दिस इज आपके यस साथ गई थी मैसेज सुबह बताया 11 दिसंबर हुई थी, जी, और डेड बॉडी जब्त हुई 27 दिसंबर को, 26 दिसंबर को दिसंबर को मेरे से, और वो डेड बॉडी भी नहीं हुई है, एक हड्डी का टुकड़ा पाया गया मालूम है, वो फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट वाले के बयान हुए हैं उसमें, वो आ गया है। हाँ मेरे से, एक हड्डी का टुकड़ा है, और कोई भी आपने की आपने वो बच्चों को कहा कि वो मामा के घर चली गई, तो आपको तो नॉलेज थी वो मामा के घर गई है। ऐसा बयान है मेरे जी, सब फिर वो जगह रिकॉर्ड जहां में से सब वो झूठा हड्डी, है, रिकॉर्ड में ऐसा एक कुछ भी सेकंड नहीं रुक जाइए, जहां हड्डी का टुकड़ा बरामद हुआ और कपड़े बरामद हुए है। मृतिका मतलब के, वो जगह आप ही के इंस्टेंस पे पहुंचे हैं। पुलिस ने मारा पीटा तो पुलिस एक पिटाई लेके हमको थर्ड डिग्री को यूज किया है, मेमोरेंडम पर बयान पर, हम ही मनी हम ही कमाए, हमको मारा पीटा है, पुलिस ने बोले थे दस्तखत कर दो, हमें दस्तखत कर दिए। थोड़ा सा क्रम में देखें इसको, दूसरी वो आपकी पत्नी थी, आपके साथ रहती थी तब, सही शादी है, थी, उसके पहले एक पति था, रहती थी ना ये? मर्सी झोपड़ी में रहती थी, उसके दो बच्चे थे, एक का नाम चार आरा, दो नहीं, चार बच्चे चार थे, बच्चे, चार चार बच्चे थे बच्चे थे, वकील पीडब्ल्यू साहब, एड और पीडब्ल्यू के कोर्ट में एविडेंस आया चार है, बच्चे थे, उनने कहा पहले माय पति से पत्नी पहला गई पति थी मर गया था, वो तो अंतिम सूचना के रहती हिसाब आपके से। साथ ही थी ना, यस मर्सी, रहती आपके साथ ही थी ना, हाँ ये बच्चों ने बताया रहती थी, हमने भी कबूल किया है आपने भी कबूल 313 किया। में। तो अब सवाल है, आपकी पत्नी आपके साथ गई लास्ट बार यस मछली मर्सी, पकड़ने, फिर कहाँ गई ये आज बताना पड़ेगा आपको। तो मछली मारने तो आपको लेके गए थे, तो मुझे काफी दिन बाद 11 दिसंबर की बात है, संडे के दिन, उसके बाद फिर उसके 26 को बाद डेड तो बॉडी पाई कहीं गई, और डेड बॉडी भी नहीं नहीं आई आप टुकड़ा। पाए, तो ये तो एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा ना, नो इसी तरीके की बहस करते हो आप। मर्सी, अच्छा हम आप एविडेंस एडमिट कर रहे हो, एविडेंस की कॉपी में हम बता देंगे, सब झूठा है मर्सी। बताइए ना, वही तो, और कब बताएंगे, बताइए, शुरू इसमें हम करिए, बता दे रहे हैं PW8 का, PW9 का स्टेटमेंट आप जजमेंट में, पढ़िए ना। पहले का 9 16 में आया है, 16 में, उनके बोला किसका बच्चा है PW8 और PW9 जी, मिक्सर किसका में पढ़ना है, काट रहे हैं, PW8 का पढ़ना है, PW9 का पढ़ना है, दोनों का आया है मर्सी, पैरा पहले 16 किसका पढ़ना है वकील साहब, का तीसरा 16 में आया है जजमेंट, जनरल, पहले का 16 डाउट है ना, बताइए जजमेंट के पैरा 16 में क्या बताओ। लिखा है जजमेंट की पैरा 16 में, इस मर्सी अभिजन सक्सी 8 मुरारी एवं अभिजन सक्सी 9 मारा सिंह मृतिका का पुत्र है, पैराग्राफ 16 पेज नंबर 5, पेज जजमेंट पेज नंबर 5, जी, अभी आप पैरा 16 पढ़ रहे थे ना, पढ़िए आगे जी। अभिजन सक्सी 8 मुरारी एवं अभिजन सक्सी 9 मारा सिंह मृतिका का पुत्र है, और इन्होंने अंतिम बार अपनी माता को अभियुक्त के साथ इतवार के दिन सुबह मछली मारने के लिए घर से बाहर जाना बताया है, घर से बाहर जाने बताया है। मारा सिंह ने अपने बयान में आगे कहा, जब दोपहर को उसके पिता अकेले घर आए तो उसने पूछा इसकी माता कहाँ है, तो अभियुक्त हुमर ने बताया कि उसकी माँ अपने मामा के यहाँ देश चली गई है, मायके चली गई है। मुत्रिका अभियुक्त ने के साथ रविवार के दिन सुबह मछली मारने के लिए जाना साक्षी मारा सिंह तथा बुरारी के अनुसार मुत्रिका तथा अभियुक्त के साथ साथ देखा जाना प्रमाणित करता है, वो मारा सिंह के कथन में यह स्पष्ट है, जब हुमा वापस अपने घर आया तो मुत्रिका पंजाबाई उसके साथ नहीं थी, इस तरह अभियुक्त का यह सिद्ध कर सकने में सफल रहा है कि मुत्रिका अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया है। अब पैराग्राफ 17, अब इस आपके और पक्ष में जा रहा है कि अपने आपके खिलाफ जा रहा है, पहले तो ये बताओ, मतलब ये आपके पक्ष में है आपके खिलाफ है? हाँ हमारे खिलाफ आ रहा है मर्सी, फिर हमको अपने खिलाफ का इनको बोलना था, हमने बोल दिया मर्सी, अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, बड़े सज्जन सब आदमी कर हैं दिया आप, मर्सी, पर मर्सी ऐसे मान लिया तो ये कोई तो होती रिकॉर्ड है फेयरनेस टुवर्ड्स पीपल। कन्वेंशन का ये कोई स्टेटमेंट नहीं है मर्सी, बहुत दाद हुए 161 से बहुत काफी दिन बाद लिए गए, इनके डेट देखे कब लिए, डेली स्टेटमेंट है वो, तो बात की स्टोरी है, वो एक टुकड़ा पाएगा बाद में पुलिस की स्टोरी है, तो अच्छा रिकॉर्ड में इसको इस पर से आप सजा नहीं कर सकते। आपने किसी गवाह को सजेशन दिया
कि किसी रंजिश से, किसी परेशानी से आपके खिलाफ झूठा बयान बटे में दिया गया? क्रॉस और एविडेंस की जजमेंट कॉपी दैट पति प्रेक्षण कौन वहां जिम्मेदार है से पति प्रेक्षण में तो उसके लिए? हम तो कौन ये जिम्मेदार? कहना डिले है हमारा रिकॉर्ड में जो है बहुत डिले है। हम भी हमने किया तत्काल रिपोर्ट होती हमने मारा होता तो और मैडम कहीं कुछ नहीं है मैडम जीरो है पास्टर की जीरो है ना कोई सर्कमिशन है ना कुछ है ना कोई हथियार हमसे वो हुआ है कि देर वो सब ओपन प्लेस में किया है P9 P10 देख लें एक हड्डी का टुकड़ा पाया गया है हड्डी का टुकड़ा एक है पाँव की वो एक जो और क्या बताना है? ए की बी के बिटेन से सरपंच से पर सजा नहीं मिल सकती मैं ठीक ठीक सिंह ठीक लिखिएगा आज की ऑर्डर शीट में, लिखिएगा हर्ट श्री एस के नेमा द पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है रिकॉर्डिंग मर्सी डेट काउंसिल फॉर द अपील एक्ट। आप खुद कह रहे हैं कि एक हड्डी बरामद हुई, फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहा है कि उसको जो है मगरमच्छ खा गई थी पूरी लाश यस को, मर्सी तो यस पोस्टमार्टम एक हड्डी पर होता है क्या? जो कि आप नहीं कह रहे होता हैं कि मर्सी पोस्टमार्टम। नहीं होता हड्डी की तो पहचान नहीं कराई रिकॉर्ड में हड्डी की चलिए पहचान होती पुलिस जो आई हुए हैं उनने उस पर ध्यान नहीं दिया ठीक, वी हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खंडवा डेटेड 26/10/24 इन टर्म्स ऑफ विच अपीलेंट पूमा एलियस हमा सन ऑफ जीरवन इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। श्री एस के नेमा लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट हैज एडवांस आर्ग्यूमेंट्स सेइंग दैट इट्स अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड ऑल दी सर्कमस्टांसेज आर नॉट कंप्लीट। नेक्स्ट श्री आदित्य नारायण गुप्ता हर्ट आर्ग्यूमेंट्स हर्ट जजमेंट रिजर्व। नेक्स्ट पैरा लिखिएगा, वी हैव गॉन थ्रू द पेपर बुक, दिस पेपर बुक कंटेन्स ओनली कॉपी ऑफ द जजमेंट। स्टॉप इट इज इन्फॉर्म दैट दिस पेपर बुक वॉज प्रिपेयर एंड जजमेंट दिस पेपर बुक वॉज प्रिपेयर बाय, किसका नाम आया? श्री आर पी एस सोलंकी। दीजिएगा इधर दे दीजिए। क्या है? कहाँ है? निकलवा लीजिएगा इसके पहले के नियम, इसके नियम देख के। फॉलोइंग वर द रूल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर बुक, वी डेप्रिकेट दिस प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पेपर बुक कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट इन टर्म्स ऑफ द, लिखा लीजिएगा मेरे को रूल्स दिखा के, रूल्स प्रोवाइड फॉर सच एंड सच दिस थिंग एंड देयरफॉर पेपर बुक इज इन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट द डिलीक्वेंट ऑफिसर। यस सर